हेलो एवरीवन, वेलकम। आज से मैं आपकी कंप्लीट ग्रामर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। डेली मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा और इस तरह से आपकी पूरी ग्रामर अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक कवर होगी। कुछ टॉपिक इसमें छोटे होंगे 5 मिनट्स के, कुछ टॉपिक लंबे हो सकते हैं मे बी 20 मिनट्स के, लेकिन आपके सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। जो भी आपके टॉपिक्स हैं, टेंसेज, एक्टिव पैसिव, एवरीथिंग, जीरण, इन्फिनिटिव क्या होता है, सारा का सारा ग्रामर आपका कवर होगा। तो आपको ये वीडियोस अच्छे से फॉलो करने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ऑलराइट, सो आज जो पहला टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ वो है द सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। सो लेट स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेटर क्या होते हैं। देखो, लेटर्स आप भी जानते हैं, जो ए बी सी डी ई एफ, ये सब लेटर्स होते हैं। ओके, अगर मैं लेटर्स को इकट्ठा करूं, यानी मैं बोलूं ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो एक सेंस बनाए, क्या बनाए, सेंस बनाए, एक मतलब बनाए, उसको कहते हैं वर्ड। तो अगर मैं लिख रहा हूं सी टी ए, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता, तो ये वर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूं सी ए टी, तो ये सेंस बनाता है, कैट, तो ये एक वर्ड है। तो वर्ड समझ आ गया, ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। अब हम इन वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं, तो जैसे एक वर्ड है बुक, बुक, प्ले, रॉक। समझ आया कुछ, सेंस बना, बिल्कुल सेंस नहीं बना, तो यानी ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखूं कि रवि प्लेज गिटार, तो अब इसका प्रॉपर सेंस बनता है और ये सेंटेंस है। तो जब भी हम वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं जो एक सेंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सो यहां पे आप देख सकते हैं, Jack and Jill went up to the hill. A group of words which makes complete sense is called a sentence. तो words का ऐसा group जो sense बनाए, पूरा complete sense बनाए, उसको हम sentence कहते हैं। तो sentence की definition समझ आ गई। अब आप समझिए कि sentence कितने type के होते हैं। तो सबसे पहला type है declarative sentences, या इनको assertive sentences भी कहते हैं। तो बेसिकली जब भी आप कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, आप अपनी कुछ बात को रखते हैं, आप बताते हैं, यू टेल समथिंग टू समबडी, तो ये जो है, जब आप अपनी बात को रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि आपने एक स्टेटमेंट दिया है, तो ये होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, एक डिक्लेरेशन है। देखो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये पॉजिटिव सेंटेंस और ये एक स्टेटमेंट है, आप एक बात रख रहे हो, हाँ सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, अमित इज़ नॉट ए स्मार्ट स्टूडेंट, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। ओके, और कुछ भी हो सकता है, जैसे अमित प्लेज गिटार, अमित गोज टू मार्केट, सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें प्रॉपर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, प्रॉपर आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर है, और ज़्यादातर हम सेंटेंसेस यही बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस पे। जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो इनको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे आर यू फाइन, आर यू कंफर्टेबल, आर यू गोइंग टू मार्केट, व्हाट इज इन द बॉक्स, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम, और इनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कमांड या रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, और इनकी सबसे इजी पहचान है कि ये हेल्पिंग, ये वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे मेन वर्ब हेल्प, मेन वर्ब होती है, सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रहे हैं, वर्ब से। ठीक है, मेरी मदद करो, तो ये रिक्वेस्ट है, गो अवे ये कमांड है, बी क्वाइट चुप रहो ये भी एक टाइप का ऑर्डर है, ठीक है, कमांड है, हैव समथिंग, लेट्स गो, थैंक यू, टेक दिस मेडिसिन, गो अवे, ये तो है, हो गया, कॉल मी, तो ये सारे क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेज हैं। ठीक है, शट अप, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है।
उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे व्हाट अ पिटी, बड़े दुख की बात है, बड़ी अफसोस की बात है, व्हाट अ शेम, बहुत शर्म की बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट दिस इज, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, व्हाट एन अमेजिंग पर्सन यू आर, तुम कितने अमेजिंग पर्सन हो। तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो। आप देख सकते हैं इनके एंड में एक्सक्लेमेटरी का साइन भी आता है, ये वाला, ठीक है, सबके एंड में देख सकते हो आप। ऑलराइट माय डियर, तो ये हमारा पहला टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से, और इसी तरह से आपके आने वाले टॉपिक्स भी कवर होंगे। आप वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो करना, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट दैट, और किसी भी एक फ्रेंड के साथ अपना ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। टेक केयर।